किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आजकल देखने को मिल रहा है कि जो कीट हैं, इंसेक्ट हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं किससे, जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनसे। उसका कारण आप सब जानते हैं कि जो कीट है वो जो भी केमिकल्स हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहा है, जिसकी वजह से उनमें रिजल्ट नहीं आते हैं, उनके असर नहीं आते हैं, वो बेअसर हो रहे हैं। हम लगातार स्प्रे कर रहे हैं जब भी हमारा कीट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे एक समय बाद जो कीटनाशक होते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम क्यों ना बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करें या ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे कीटनाशक ऐसे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि उनके प्रति जो कीट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है। आप उनको बार बार बेशक यूज करें, उनके अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शानदार बायोपेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे जो हमारी फसलों पर जो चबाने वाले कीट हैं, लेपिडोप्टेरा वर्ग के जो कीट हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करने में प्रभावशाली है। जैसे कि कपास के अंदर जो पिंक बॉलवर्म आता है वो आसानी से कंट्रोल नहीं हो रहा है किसान भाइयों फसलों के अंदर, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। डीबीएम पे अच्छा काम करता है, जो डायबैंड बैक मॉथ इल्ली देखने को मिलती है, और बहुत सारे कीटों पर काम करता है, वो हम बात करेंगे। तो जो इल्लियां हैं, कैटरपिलर हैं, उन पे अच्छा काम करता है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम जो बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स कंपनी के मिंचो प्लस के नाम से आता है ये बायोपेस्टिसाइड। इसके अंदर दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दो बैक्टीरिया यानी कि दो माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर पनपते हैं, वहाँ से इनको निकाला जाता है। तो ये नेचुरली पाए जाते हैं, तो नेचुरली ऑक्यूरिंग ये बैक्टीरिया होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है बेसिलस थ्रिंगेंसिस क्रुस्टाकी, और दूसरा जो इसके अंदर एक और बैक्टीरिया होता है वो है इसकेरो पॉलिस्पोरा स्पिनोसा। तो ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो दो बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से इसको तैयार किया गया है। दो तरह के ये माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और देखिए इसमें जो इसकेरो पॉलिस्पोरा स्पिनोसा जो बैक्टीरिया होता है, जो माइक्रोब्स होता है, ये आप जानते हैं कि जो स्पिनोसेट एक टेक्निकल आता है जो ट्रेसर के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो वो इसी बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है लैब में। तो वो स्पिनोसेट आप जानते हैं इल्लियों पर, कैटरपिलर्स पे कितना अच्छा काम करता है, तो वो इसी बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है, जो हमारा इसकेरो पॉलिस्पोरा स्पिनोसा जो बैक्टीरिया होता है उसी के फर्मेंटेशन से स्पिनोसेट तैयार किया जाता है, और उसके शानदार रिजल्ट हैं। एक नए जमाने का वो कीटनाशक है, और उसके उस कीटनाशक के बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं, साइड इफ़ेक्ट उसके उतने ज़्यादा नहीं होते। तो वही बैक्टीरिया इसमें दिया गया है, और एक और बैक्टीरिया दिया गया है जो मैंने आपको बताया बेसिलस थ्रिंगेंसिस क्रुस्टाकी। तो दोनों 15% एसी फॉर्मुलेशन में ये दिए गए हैं, 15% ये आते हैं, तो बहुत अच्छा ये काम करते हैं। तो ये हमारी फसलों पर जो भी इल्लियां हैं, कैटरपिलर्स हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करते हैं ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं, तो इनको आप उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन से कीटों पर ये काम करते हैं, तो देखिए ये जो काम करते हैं, जैसे कि हमारा कैटरपिलर्स पे काम करते हैं जो भी इल्लियां हैं उन पे अच्छा काम करते हैं, डीबीएम जैसे कि डीबीएम पे अच्छा काम करते हैं जो हमें गोभी की फसल में देखने को मिलता है, डायमंड बैक मोती इल्ली बहुत खतरनाक होती है, आसानी से कंट्रोल नहीं होती है। एक है फॉल आर्मी वॉर्म जो कीट है, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे मक्के की फसल को, अन्य फसलों को तबाही मचाता है, और ये बहुत बड़ी संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसको कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता है जो फॉल आर्मी वॉर्म है, तो इसको भी ये अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ पिंक बॉल वर्म जो हमें कपास की फसल में देखने को मिलता है और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, उस पर अच्छा काम करता है, और भी जो इल्लियाँ हैं, कैटरपिलर्स हैं, उन पे ये बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, बायो पेस्टिसाइड है ये, तो आप इसका उपयोग करें। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो है 2.5 से लेकर 3 एमएल पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका उपयोग फसलों के अंदर ले सकते हैं। देखिए जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि वो सूर्य के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, तो इनका जो स्प्रे हमेशा इवनिंग टाइम में करें, जब लगभग सूरज ढल चुका हो तो उस समय स्प्रे स्टार्ट करें, तो इवनिंग टाइम में स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कीट है तो दो स्प्रे आप ले लीजिए, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देगा। तो जैसे ही कीट की स्टार्टिंग होती है, आपको थोड़ा बहुत कीट इंसेक्ट दिखाई देता है,
तो तुरंत आप स्प्रे ले लें और हफ्ते के अंतर से 6 से 7 दिन के अंतर से 2 स्प्रे रिपीट कर दें तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट इसका देखने को मिलता है और कीट इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है। देखिए काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें बैसिलस थ्रिंगेसिस कुष्ठता की जो बैक्टीरिया होता है वो क्या काम करता है, कीट के अंदर में पेट में जाता है तो पाचन तंत्र में अंदर घुस करके और वहाँ पे क्रिस्टल प्रोटीन रिलीज करता है। तो ये क्रिस्टल प्रोटीन क्या है कि उसके लिए टॉक्सिक होता है जिससे कीट का जो पाचन तंत्र है वो ख़त्म हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से दूसरा जो है वो भी कीट के लिए, जो दूसरा बैक्टीरिया मैंने बताया वो भी कीट के लिए न्यूरोटॉक्सिक होता है तो वो भी कीट को मारने का काम करता है। तो दोनों मिल करके कीट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो आप इनका बार बार उपयोग करेंगे, कोई समस्या आपको रेजिस्टेंस की नहीं आएगी। तो ये इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके प्राइस की बात करें तो देखिए इसकी जो 500 ml पैकिंग की कीमत वो लगभग 700 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगी। तो एक एप्रोक्स आइडिया यहाँ पे मैंने आपको प्राइस का बताया है। इनको उपयोग करें, आप सेपरेट उपयोग करें, इनके साथ कोई भी केमिकल को मिक्स ना करें और इनके उपयोग के लगभग 7 दिन तक भी कोई भी केमिकल आप अपनी फसलों पर यूज ना करें। तो जब भी आप इनका उपयोग करें ये सावधानी ध्यान रखें और डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में इनको ना आने दें, स्प्रे इवनिंग टाइम में करें। तो इस तरीके से करेंगे बहुत अच्छे होते हैं जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं। तो इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ेगा अपने उपयोग में क्योंकि जो केमिकल हैं वो उतना रिजल्ट उनका रहा नहीं है। कीट लगातार रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उनके प्रति, फिर नए नए कीटनाशक आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनको हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा जाता है। यदि हम उनको उपयोग करते हैं उतना हमारा जो मुनाफा उससे फिर नहीं निकल पाता है हमारी क्रॉप से, तो जिससे जो किसान है वो कर्ज में डूबता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कीटनाशक हैं बहुत सारे हैं जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि हम उनको घर पे तैयार करके और बहुत अच्छे रिजल्ट उनके देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको क्या है, हमें उनको 6 से 7 दिन मैक्सिमम 7 दिन के अंदर से रिपीट स्प्रे हमें करते रहना चाहिए तभी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन वो ऐसे हैं कि वो फ्री में तैयार हो जाते हैं, उनका वो कॉस्टली नहीं होते, उनको हम घर पर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो उनको यदि हम उपयोग करें हफ्ते के अंतर से, यदि वेजिटेबल क्रॉप हैं तो हफ्ते के अंतर से हमें उपयोग करना पड़ेगा, सीरियल क्रॉप हैं तो हम 10 दिन के अंतर से भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 से 12 दिन 15 दिन के अंतर से जो सीरियल क्रॉप है अनाज वाली फसलें हैं तो उनमें हम इतने गैप रख के 10 से 15 दिन का भी गैप रख सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल जो क्रॉप है उनमें जो कीट है वो ज़्यादा अटैक करता है। तो इसलिए उनको लगभग हमें 1 वीक के अंतर से स्प्रे देते रहना पड़ेगा। तो इससे क्या है, कीट नहीं हमारी फसलों पर अटैक करता है और इन जो हम ऑर्गेनिक का उपयोग करते हैं इनसे आप देखेंगे कि आपके फसलों के जो पत्ते हैं हरे रहेंगे, पत्तों का साइज बड़ा होगा, फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, फसलों को और अच्छा बेहतर बनने में हेल्प करते हैं और कीटों को आने नहीं देते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं, तो हमें इनको ज़रूर अपनाना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।